हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। आज की इस वीडियो के अंदर ना आपके यहाँ पर इस कार का एक प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड वीडियो मिलने वाला है, साथ ही हम बात करेंगे इसके सभी फीचर्स और साथ ही इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। प्राइस की अगर यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस कार का प्राइस कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपीज़ के आसपास वाली रेंज से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये कार प्रॉपरली बेस्ड है मारुति सुजुकी बलेनो के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। एंड बलेनो का करंटली मार्च 2023 में प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6.56 लाख रुपए से। तो यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम आ जाता है तो कहीं ना कहीं पूरा जस्टिफाइड रहने वाला है। तो ये होगी प्राइस की यहाँ पे इसमें बात। एंड टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे कॉस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं अराउंड 12.5 to 13 लाख रुपीज़, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में इस कार में आपको टर्बो इंजन भी ऑफर किया जा रहा है। इंजन की अब यहाँ पे बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपके यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जो कि है 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और साथ ही 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि इस कार में नया इंट्रोड्यूस किया गया है। जो 1.2 लीटर पेट्रोल है वो सेम आपको बलेनो के अंदर मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 PS की पावर। एंड ये टाइट एंड टेस्टेड इंजन है जो कि इसमें प्रोवाइड किया जाने वाला है। बाकी जो नया इंजन इस कार में आ रहा है 1.0 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, वो मैं आपके यहाँ पर एक बार ही दिखा देता हूँ। वो आपके यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह का कंप्लीट मिलने वाला है। एंड ये मेनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन रहेगा, प्रॉपर इंसुलेशन के साथ ये आएगा। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। बाकी फिलहाल करते हैं इसके हुड को बंद एंड बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो गाइस, आपको ना यहाँ पर फ्रॉन्क्स के अंदर टोटल 5 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, जो कि है सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और एल्फा। यहाँ पर जिसके टॉप वेरिएंट्स रहने वाले हैं वो आपके यहाँ पर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलेंगे, लो वेरिएंट्स आपके यहाँ पर इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलेंगे। बाकी अगर आप इस कार को कंसिडर कर रहे हैं एंड बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ट्राई सिटी ऑटोज, जो कि है जीरकपुर पंजाब में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रही होंगी। बाकी ना यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि होली जा चुकी है एंड इंडिया के अंदर ना अब समर सीजन आ चुका है। एंड समर्स के अंदर ना कार के अंदर क्या रहता है कि कार के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल ओवरऑल प्रोड्यूस हो जाती है वेदर की वजह से। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया हूँ इन्वॉल्व वन की तरफ से, जो कि है स्प्लैश का परफ्यूम। इसके अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके इस परफ्यूम से एक बहुत ही कूल एंड रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल ठंडक भरा सा एहसास दिलाने वाली है आपकी कार के कैबिन के अंदर। इसे आप यहाँ से ऊपर से एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को कम या ज़्यादा करना। बाकी ये परफ्यूम ईजीली अराउंड 2 to 3 months तक लास्ट भी कर जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड सबसे खास बात यह है कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ज़रूर से मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई करें। एंड मैं 100% श्योर हूँ उसके बाद कि नेक्स्ट टाइम भी आप फिर इसी परफ्यूम को बाय करने वाले हैं। बाकी फिलहाल इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं इसके बॉटल होल्डर के अंदर एंड बढ़ते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ एंड बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर आपके यहाँ पर इसकी पूरी ग्रिल मिल जाती है। ऊपर आपके यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स दिए जाते हैं, सेंटर में आपको मिल जाता है इसमें ग्रिल के सुजुकी का लोगो। उसके बिल्कुल नीचे आपके यहाँ पर इसमें मिल जाएगा फ्रंट पार्किंग कैमरा। बाकी इनके साइड्स पे ना आपके यहाँ पे सेम ग्रैंड विटारा की तरह मिल जाता है इसके साइड टर्न इंडिकेटर्स। एंड ये ड्यूल फंक्शन एज LED DRL भी वर्क करता है कुछ इस तरह से। नीचे आपके यहाँ पर इसका हेडलैम्प यूनिट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें ट्रायो बीम LED हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं। नीचे वाले दो यूनिट्स यहाँ पे लो बीम के लिए दिए गए, ऊपर वाला एक आपके यहाँ पर इसमें हाई बीम के लिए मिल जाता है। बाकी फॉगलाइट वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर फ्रॉन्क्स के किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाला है। एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कार का कंप्लीट मिल जाएगा। नीचे ना आपको यहाँ पर इसमें सिल्वर कलर के अंदर इसकी फुल क्लैडिंग भी मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल एक SUV लुक इस कार को प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है इसके 16 inches के डायमंड कट डिज़ाइन में अलॉय व्हील्स, जो कि आते हैं 205/60R16 सेक्शन टायर प्रोफाइल के साथ। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही दी गई हैं। बाकी फुल बॉडी क्लैडिंग आप यहाँ पर इस कार की देख सकते हैं। ऊपर VMs आप यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। इसके ऊपर ही आपके यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर इसमें एक कैमरा दिया गया प्रॉपर 360 व्यू के लिए। रिक्वेस्ट सेंसर आपके यहाँ पर इसके डोर हैंडल में मिल जाएगा। एंड ये आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा, क्रोम विंडो लाइनिंग आपके यहाँ पर इसमें मिल जाती है। बाकी ग्रीन टिंटेड ग्लासेस आपके यहाँ पर इसमें ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ये आपको डायरेक्ट सनरेज से प्रोटेक्ट भी करते हैं।
रूफ पर आपके यहाँ पर इस पर रूफ रेल्स मिल जाएंगी। सनरूफ आपके यहाँ पर इसमें नहीं मिल रही किसी भी वेरियंट के अंदर। पीछे आपके यहाँ पर मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, और साथ यहाँ पर खड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो, जिसके ऊपर की ये कार बेस्ड है। मतलब प्रॉपर आप कह सकते हो सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दोनों कार्स हैं। तो इन दोनों का बिना एक डिटेल्ड कंपैरिजन जल्दी आ जाएगा चैनल पर, तो ज़रूर से उसे भी चेकआउट कर लें। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो बैक से तो ये कार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पर रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। ब्रेक लाइट आपके यहाँ स्पॉइलर के साथ दी गई है, एंड कनेक्टेड टेल लैंप्स आपके यहाँ पर इस कार में पूरी मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है लाइट अप होकर। एंड लुक्स भी इस कार की काफ़ी ज़्यादा इसकी मदद से एनहांस हो रही है। यहाँ पर आपके इसमें मिल जाएगी फ्रॉन्क्स की बैचिंग, ऊपर दिया गया सुजुकी का लोगो यहाँ पर आपके इसमें मिल जाती है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग, नंबर प्लेट लाइट्स आपके यहाँ पर LED में प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, बाकी चार पार्किंग सेंसर्स आपको नीचे बम्पर पर मिलेंगे। एंड बम्पर पर बिना आपके यहाँ पर इस पर ड्यूल टोन शेड पूरा देखने को मिल जाता है। दो रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पर इस पर दिए जा रहे हैं। एंड ओवरऑल लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं कार का बैक प्रोफाइल से। और ना अब चलते हैं कार के अंदर एंड चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स को भी। लेकिन उससे पहले आपके यहाँ पर एक कम्प्लीट लुक दे देता हूँ इस कार का बैक साइड से। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर इसके डोर हैंडल के ऊपर, कीलेस एंट्री के लिए, एंड ये आपको ना तीनों साइड पर प्रोवाइड किया जाता है, दोनों डोर्स पे और पीछे टेल गेट पर भी। बाकी डोर पैड की अगर बात करें तो कुछ इस तरह के आपके यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता है, जो कि आपको ड्यूल टोन के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्लॉसी ब्लैक टचेस आपके यहाँ पर इसमें कंप्लीट ये मिल जाएंगे। एंड ओवर वीएम्स आप यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेदर पैडिंग मिल जाएगी। डोर हैंडल आपके यहाँ क्रोम में दिया गया है। ऊपर आपके यहाँ ट्विटर मिल जाता है, बाकी नीचे आपके यहाँ स्पीकर मिलेगा और साथ ही बॉटल होल्डर भी मिलेगा। और डोर ओपनिंग की बात करें तो एवल डोर जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपके यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपके यहाँ पे इस पर देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट, जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर पाएंगे। और कुछ ऐसा आपके यहाँ पे फर्स्ट लुक मिल जाता है इस कार के कंप्लीट इंटीरियर्स का। और अब मैं आगे कार के अंदर एंड गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कार की कीज के बारे में। यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की कीज ऑफर की जा रही है, जो की आएगी लॉक और अनलॉक के ऑप्शन के साथ। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे दो बार आपकी कार के यहाँ पर इग्निशन ऑन हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का व्हाइट इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाने वाला है। सेंटर में आपको मिल जाती है स्क्रीन, राइट पे दिया गया स्पीडोमीटर, लेफ्ट में आपको मिलता है आरपीएमीटर। बाकी इस कार की एमडी स्क्रीन को आप यहाँ पिन दिए गए टॉगल्स की मदद से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर फुली लेदर आप डी कट स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ओवरऑल काफी अच्छी ग्रिपिंग ऑफर करता है। नीचे आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स भी इसमें मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाएगा। सीट पर आपके यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो इसे आप यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वेज में यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाता है। साइड पर आपको यहाँ पर फ्रंट और रियर वाइपर के लिए टॉगल दिया गया। एक एसी वेंट आपके यहाँ इस पर मिल जाएगा। नीचे आपके यहाँ पर HUD के कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं, एंड HUD इसकी मिली तब करती है जब आपकी कार स्टार्ट होती है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मिल जाएगी। यहाँ पर स्पीड आएगी, डिजिटल स्पीड आप देख पाएंगे। बाकी डोर के ओपनिंग वगैरह की सब कुछ आपके यहाँ इंडिकेशन वगैरह मिलेंगे, जो कि आपको सेम ये वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रॉपर मिल जाते हैं। बाकी वो आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर आरपीएमीटर यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दी जा रही है। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलता है, एक व्यू का बटन मिलता है, तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 360 कैमरा व्यू स्टार्ट उसी टाइम। एंड ओवरऑल कैमरा क्वालिटी इस कार की टॉप नॉच है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है सेगमेंट के अंदर। इससे अच्छा कैमरा मैंने अभी तक नहीं देखा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी यहाँ पर आपको एक हेडलाइट लेदर मिल जाता है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच दिया गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपके यहाँ मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। नीचे फिर आपके यहाँ पे बोनट और फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया। बाकी इनके अंदर आपके यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी मिल जाती है, जो कि है ऑरेंज कलर के अंदर। बाकी इसके साथ कुछ ऐसा आपके यहाँ पे कंप्लीट डैशबोर्ड लुक इस कार का मिल जाएगा। सेंटर की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर 9 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जा रही है, जो कि आती है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। इसके अंदर आपको यहाँ पे दोनों के अंदर ही वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और आपके यहाँ AM/FM ब्लूटूथ USB तो मिलता ही है। एंड ओवरऑल आप यहाँ पे इसका इंटरफेस देख सकते हैं, कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे, एंड और भी आपके यहाँ पे काफ़ी सारी इसमें डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी 2 AC वेंट्स है, 1000 लीटर का स्विच है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपके यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। एंड बेसिकली सभी वेरिएंट्स के अंदर इस कार में फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है। 12 वोल्ट्स का पावर सॉकेट है, फिर यहाँ पर एक USB का पोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपके यहाँ पर इसमें मिल जाता है, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पर वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप बॉटल होल्डर्स के अंदर फिर रख सकते हैं इन्वॉल्व 1 का स्प्लैश
का परफ्यूम जो कि बिल्कुल परफेक्टली हाँ परफेक्ट हो जाता है। और ये गाइस इस कार का 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स, इसमें रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पर मिलेगा आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले, और साथ ही आपको 360 व्यू भी प्रॉपर मिल जाएगा साइड पर, बाकी डिफरेंट व्यू एंगल्स भी आपको यहाँ पर इसमें कैमरा के मिल जाते हैं। एंड पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपको मिलेगा आपकी AMID स्क्रीन के अंदर, जो कि तभी वर्क करेगा जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा। बाकी नहीं, यहाँ पर आपको इस कार के अंदर 5-speed मैनुअल के अलावा 6-speed ऑटोमेटिक और 5-speed AMT गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT आपको मिलेगा 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ, और 6-speed ऑटो 5-speed मैनुअल आपको मिलेगा 1.0 लीटर वाले बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के साथ। बाकी उसके पीछे आपके यहाँ पर इसमें स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, फिर आपके यहाँ हैंड ब्रेक दी गई है, हैंड ब्रेक पीछे आपके यहाँ आर्म रेस्ट दिया गया जो कि स्लाइडेबल है, एंड इसके अंदर आपके यहाँ स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। एंड अब बात करें अगर सीट की, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की फैब्रिक सीट्स ऑफर की जा रही है, जो कि ना ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है ना। मेरे को पर्सनली इसकी कुशनिंग जो है वो ग्रैंड विटारा से भी ज़्यादा बढ़िया लगी। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल टाइप का इस पर हेडरेस्ट मिल जाएगा, एंड सीट्स आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कुछ ऐसी कंपटीटियाँ मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर आपको इस पर पूरा लेदर ऑफर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, एंड यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेंगे। सेफ्टी की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर आपके इस कार के अंदर टोटल 6 airbags ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट 2 airbags आपके यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं, साइड पर आपके यहाँ इसमें पिलर्स पर एयरबैग मिल जाता है, और आपके यहाँ सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग दिए जा रहे हैं। और आपके यहाँ इसमें सेफ्टी के अंदर ABS, DVD, ब्रेक असिस्ट, टाइप्स ऑफ फिक्स सीट, बाउंस, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि आता है कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ, डिसेंट स्पेसिंग आपके यहाँ इसमें मिल जाती है। कूलिंग वगैरह का फंक्शन आपके यहाँ नहीं मिलेगा। ऊपर आपके यहाँ सनसीट के अंदर इसमें वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि आता है लाइट के साथ। ऑटो डिमिंग IRVM इसके अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। दो रूफ लाइट्स आपके यहाँ इसमें मिल जाती है, जो कि है हेलोजन के अंदर, और इधर आपके यहाँ पे अगेन मिरर मिल जाता है, जो कि अगेन लाइट के साथ ही आता है, और एक रूफ लाइट आपके यहाँ इसमें पीछे भी मिल जाती है। सनरूफ वगैरह का ऑप्शन आपके यहाँ इसके टॉप एंड वेरियंट के अंदर भी नहीं मिलने वाला है। और अब चलते इसकी बैक सीट में चलकर चेक कर लेते हैं इसका बैक सीट का भी कंप्लीट कंफर्ट। तो गाइस इस कार का बैक डोर जो कि आपको यहाँ पर इस पर ड्यूल टोन के अंदर ही पूरा ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इस पर पूरी लेदर पैडिंग इसमें मिल जाएगी, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स है, पावर विंडो का स्विच आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल आपको मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाएगा, साथ बॉटल होल्डर दिया गया। कोई भी आपके यहाँ पीछे की तरफ इस पर वेटर नहीं मिलेगा। डोर ओपनिंग की बात करें तो कुछ इतना वाइड ओपन इस कार का डोर हो जाता है, कार के अंदर एंट्री एग्जिट करने में आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आते ही आपको यहाँ पर इस पर 3 एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस देखने को मिल जाते हैं। आमरेस आपको यहाँ पर इस पर किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए टाइप सी और टाइप ए, दोनों पोर्ट्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। मैप पॉकेट्स आपके यहाँ पर इसमें मिल जाती है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ इस तरह का कंप्लीट मिल जाता है बैक सीट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। रूफ लाइट मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। स्पेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो गाइस मेरी हाइट 6 feet है, एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरे नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, और फिर भी मेरे को इस कार के अंदर काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेडरूम मिल पा रहा है। और हेडरूम मैं आपको यहाँ पे अपना दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को कुछ इतने यहाँ पे हेडरूम मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशियंट है अगर आपकी हाइट 6 feet तक है तो। बाकी बलेनो से यहाँ पे ज़्यादा ओवरऑल मेरे को लग रहा है हेडरूम, एंड किसी भी तरह की ना कमी यहाँ पे हेडरूम के अंदर नहीं लग रही है। बाकी 2 adults और 1 kid यहाँ पे बैक सीट में बड़े ही आराम से बैठ पाएंगे। सेंटर में थोड़ा सा हम आपके यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है, बट इतना कोई खास इशू ये नहीं बनाएगा। आइसोफिक्स सीट माउंट्स वगैरह आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। बाकी अब एक बार फिर से चलते हैं कार के बाहर एंड चेक कर लेते हैं इस कार के बूट को। तो ना इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको कि प्रेस करके आप इसका यहाँ पे टेलगेट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर इसमें दिया गया कीलेस एंट्री के लिए। बूट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इतना ओवरऑल बूट एरिया देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे इसमें आपके यहाँ पर इसमें दी जा रही है। रियर सीट्स आप यहाँ पे 60-40 स्प्लिट वे में फोल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल स्टोरेज स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छत्ती है। बूट लाइट आपके यहाँ पर इसमें मिल जाएगी, और इसके नीचे आपके यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि है यहाँ पर बिल्कुल ही सेम साइज का 195/60R16। बाकी ये स्टील व्हील आपके यहाँ पर इसमें ऑफर किया जा रहा है। और अब फिलहाल बंद करते हैं इसके टेलगेट को एंड फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो यार आप मेरे को सबसे पहले तो नीचे कमेंट कर बताओ कि आपके कार ओवरऑल
कैसी लगी। बाकी साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के स्प्लैश का, परफ्यूम का, जिससे कि आप बाय करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप चाहते हैं अपनी कार के अंदर एक बहुत ही मस्त सी फ्रेग्रेंस। तो बाकी कार की अगर प्रॉपर बात करें तो प्राइस अभी इसका ना बाकी है। ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट मेरे को तो पर्सनली ये कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, एंड बलेनो से जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं वो ज़रूर से इसे कंसिडर कर सकते हैं। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है परफॉर्मेंस के मामले में। 1.2 लीटर तो मोस्टली यहाँ पे सब ने चलाया ही होगा क्योंकि वो स्विफ्ट में भी आ रहा है, बलेनो में भी आ रहा है, एंड ओवरऑल वो इंजन भी इस कार का काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। तो आपको ओवरऑल ये कार कैसी लगी ज़रूर से मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी ये थी गाइस कंप्लीट वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।